नमस्ते स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूज़ ऑफ डेयर डेयर का प्रयोग सीखेंगे डेयर बहुत ही शानदार और उपयोगी वर्ब है और आपको बता दें ये मॉडल एक्सलरी है और इसके बारे में बहुत ही बारीक बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखेंगे दोस्तों ये जो डेयर है ना ये डियर एक मॉडल ऑक्जिलरी है इसके साथ नीड भी चलता है नीड का भी प्रयोग ऐसा ही होता है लेकिन एक से पहले आप डियर को समझ लीजिए डियर का अर्थ है साहस करना हिम्मत करना क्या अर्थ है इसका साहस करना हिम्मत करना या साहस होना हिम्मत होना ठीक है बात अब इसके सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से बनते हैं उसकी हिम्मत है इस विषय में पारंगत हासिल करने की उसकी हिम्मत है अंधेरे में जाने की उसकी हिम्मत है आपसे बास बात करने की और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं उससे बात करूं ऐसे भी सेंटेंसेस बनते हैं क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझसे बात कर सको इस तरह के भी सेंटेंसेस इससे बनते हैं तो अब समझते हैं कि डियर कब मेन वर्क की तरह काम करती है और कब हेल्पिंग वर्क की तरह अच्छा डिपेंड ये नहीं करता कि कब काम करती है इसके प्रयोग से ही पता चल जाएगा कि डेयर कब मेन वर्क की तरह है और कब वर्ब की तरह है देखिए डेयर जब हेल्पिंग वर्क की तरह काम करेगी तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो डेयर डेयर की तरह ही लिखा जाएगा डेयर्स नहीं होगा जैसे उसकी हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की तो अब आप, आप ही डेयर्स नॉट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा तो सबसे पहले समझेंगे कि जब डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों केस में ये डेयर की तरह ही लिखा जाता है डेयर्स नहीं लिखते हैं दूसरी बात जब हेल्पिंग वर्ब की तरह डेयर का प्रयोग होगा तो इसके तुरंत बाद जो वर्ब आएगी ना वो बेयर इन्फिनेटिव आएगी यानी कि सीधा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी उसके पहले टू नहीं लिखा होगा फिर से सुनेंगे जब डेयर का प्रयोग जब डेयर का प्रयोग हेल्पिंग अप की तरह होगा तो डेयर हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी यानी डेयर नहीं होगा ठीक है दूसरी बात डेयर के बाद डेयर के बाद, बाद बेयर इन्फिनीटिव यानी कि सीधा वर् फर्स्ट का प्रयोग होगा टू का प्रयोग नहीं होगा अब जबकि डेयर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होगा किस तरह मेन वर्ब की तरह जब इसका प्रयोग होगा तो दोस्तों बता दें इसके तुरंत बाद टू यानी कि टू प्लस वर फर्स्ट यानी कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा ठीक है यानी कि टू के साथ इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग होगा यानी इसके पहले टू लगना ज़रूरी है वर्ब के पहले और जब इसका प्रयोग मेन वर्ब की तरह होगा तब फिर ये मेन वर्ब है तो ये किसी भी रूप में हो सकती है डेयर्स भी हो जाएगी और डेयर भी हो जाएगी है ना अकॉर्डिंग टू अब हम ये बात कर रहे हैं प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस को लेकर ठीक है प्रेजेंट इन डेफिनेट पास्ट इन डेफिनेट के टेंस में ही जनरली इसका प्रयोग किया जाता है तो देखेंगे पहला एग्जाम्पल अब देखिएगा जैसे मैंने कहा उसकी हिम्मत है उसकी हिम्मत है इस परीक्षा को पास करने की इस परीक्षा में पास होने की में पास होने की उसकी हिम्मत है इस परीक्षा में पास होने की ठीक है ये लास्ट में की है तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा ही डेयर्स टू पास इन दिस एग्जाम इन दिस एग्जाम ही डेयर्स टू पास इन दिस एग्जाम ये बनेगा अच्छा ये डेयर क्यों लगा भाई देखो जब ये प्रेजेंट इन डेफिनेट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस यस नहीं लगाते दूसरी बात जब प्रेजेंट इन डेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पेब लगती ही नहीं है तो यहां पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ठीक है बात आइए अगला सेंटेंस देखते हैं आई डेयर नॉट अपोज हिम आई डेयर नॉट अपोज हिम अब इस सेंटेंस में देखिए ये देखो डेयर लिखा हुआ है नॉट लिखा हुआ है देखिए नॉट का प्रयोग केवल और केवल हेल्पिंग verb के बाद ही किया जाता है तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि डेयर का प्रयोग हेल्पिंग verb की तरह हुआ है अब जबकि डेयर का प्रयोग हेल्पिंग verb की तरह हुआ है तो आप देख रहे हैं कि अपोज एक वर्ब है और उसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है आई डेयर नॉट अपोज हिम मुझमें उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं है मुझमें उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं है अगर हम बोलते मुझमें उसका विरोध करने की हिम्मत है तो मैं बोलता आई डेयर टू अपोज हिम अब ये मेन वर्ब हो गई तो जब ये मेन वर्ब हो गई तो इसके बाद इन्फिनीटिव का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग तो आई डेयर टू अपोज हिम अच्छा प्रेजेंट इन डफिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्प वब लगती ही नहीं है तो वहाँ पर हेल्प वब लगेगी ही नहीं यहाँ पर ये मेन वर्ब है मेन वर्ब के बाद देखिए इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया गया है यानी इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है जिसके साथ टू लगा है और वैसे भी इन्फिनेटिव ही होता है जब ये हेल्प हेल्पेब का प्रयोग की तरह यूज़ होती है डेयर तब भी इन्फिनेटिव ही होता है लेकिन होता क्या है कि वो बेयर इन्फिनेटिव होता है यानी कि वहाँ से टू गायब हो जाता है ठीक है एक बात और सीखिए जैसे हमने लिखा था आई टेयर नॉट अपोज आई डेयर नाट अपोज हिम मैंने ये लिखा था अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये डेयर यहाँ पर हेल्प की तरह काम कर रहा है और एक चीज़ मैं और कह रहा हूँ कि ये प्रेजेंट इन डेफिनेट का है अब जबकि ये प्रेजेंट इन डेफिनेट का है दोस्तों तो प्रेजेंट इन डेफिनेट में डू डज हेल्पियप लगती है तो आइए डू डज़ हेल्प के साथ इसको बना कर देख लेते हैं आई डू नॉट या डोंट लिखेंगे आई डू नाट डेयर अब देखो भाई यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ डू आ गई तो अब ये डेयर क्या हो गई मेन वर्ब हो गई इसलिए टू आ गया ठीक है अपोज हिम करेक्शन के सेंटेंसेज में सिंटेक्स में इंटरमीडिएट से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है आई डू नॉट डेयर टू अपोज हिम अब इस जगह पर ये डेयर क्या है मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और जब मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है तो इसके साथ टू का प्रयोग होगा यानी इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग किया जाएगा देखिए आप बात को समझ रहे हैं अगर आप समझ रहे हैं तो एक सेंटेंस और बना दीजिए जैसे आपने सुना होगा सेंटेंस हाउ डेयर यू ये सुना होगा आपने सेंटेंस ज़्यादातर लोग इसे गुस्से में बोलते हैं तो हाउ डे यू है ना डेयर साफ-साफ इंडिया के लोग बोलेंगे वैसे आर साइलेंट रख सकते हो हाउ डे यू टाक टू मी लाइक दिस लाइक दिस हाउ डे यू टाक टू मी लाइक दिस ये सेंटेंस तो आपने सुना ही होगा है ना तो यहाँ पर आप जब देख रहे हो कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद डेयर आ गया है तो जब डेयर यहाँ पर आ गया है तो डेयर क्या है क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर कोई वर्ड आता है तो वो होता है हेल्पिंग वर्ब नॉर्मल सेंटेंसेस यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब है इसी वजह से यू के बाद जो वर्ब लिखी है वो टाक के पहले टू नहीं लिखा लिखा हुआ है और ये जो टू है ये प्रैपोजिशन है टाक के बाद टू का प्रयोग करते हैं ये प्रेपोजिशन है यानी हाउ डेयर यू टाक टू मी लाइक दिस अब यही सेंटेंस फेमस है इसका दूसरा वर्जन भी है जैसे आप डू का प्रयोग करके बना दें तो हाउ डू यू डेयर हाउ डू यू डेयर टू कैसे बनेगा हाउ अब हमने एल्प ले लिया यहाँ पर देखेंगे हाउ डू यू डेयर अब मेन वर्ब तो यहाँ है कि बाद में सब्जेक्ट के बाद हाउ डू यू डेयर टू टाक टू मी लाइक दिस ठीक है बात तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया ठीक है कुछ मैं आपको एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस दे देता हूँ आप करिएगा उनको और आराम से कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स भेजिएगा तो लिखिए आप पहला सेंटेंस लिखिए उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे बात करे या फिर उसकी हिम्मत मुझसे बात करने की नहीं है भाषा कैसी भी रख सकते हैं तो पहला सेंटेंस क्या है उसकी मुझसे बात करने की मुझसे बात करने की बात करने की हिम्मत नहीं है या उसमें मुझसे बात करने का साहस नहीं है ये भी बोलेंगे उसमें मुझसे बात करने का साहस नहीं है या उसकी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है ठीक है आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव वर्जन में ले ले चलते हैं क्या उसकी हिम्मत है मुझसे बात करने की क्या उसकी हिम्मत है मुझसे बात करने की ठीक है उसकी हिम्मत आप देखिएगा उसकी हिम्मत कैसे है उसकी हिम्मत कैसे है उसकी हिम्मत कैसे हुई ये भी कह सकते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई, हुई? ये कुछ भी लिखा जाएगा बनेंगे प्रेजेंट इंडिफिन में ठीक है उसकी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर जाने की घर से बाहर जाने की बाद में लिख लीजिए जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर जाने की तो दोस्तों यहां पर आज हमने सीखा है यूज ऑफ टेयर और अच्छी तरह से मैंने आपको उसका प्रयोग सिखा दिया है उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और अगर आ गई है और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों और अभी तक आप वीडियो वॉच कर रहे थे तो आप कमेंट पे जाकर जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं वहाँ पे आप उनका आंसर ज़रूर भेजिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में जिनसे आपको प्यार हो मोहब्बत हो और आप चाहते हो कि वो भी आगे बढ़ें तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय टेक केयर